डीसीपी दयाल सर, डीसीपी दयाल सर, पार्टी तो बहुत शानदार अरेंज की है। थैंक यू सर। सर वैसे आपके आने की खुशी में पार्टी तो इससे भी जबरदस्त होनी चाहिए थी, मैं क्या करें, दे आर प्रॉब्लम्स एंड डीसीपी दयाल अब हम आ गए हैं, ये पार्टियां तो होती ही रहेंगी। बाय द वे तुम्हारा इंस्पेक्टर नजर नहीं आ रहा सुपर कॉप। सर आई बिलीव यू आर टॉकिंग अबाउट भारत। हेलो विजय। हेलो करके। ही इज सिंपली ग्रेट। हेलो श्रीवास्तव, कैसे हो? ये देखिए वो आ भी गया। ओ एक्सक्यूज मी श्रीवास्तव, मैं भी आता हूँ। वेलकम टू टाउन सर, हमारे शहर में आपका स्वागत है। थैंक यू। मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसा ऑफिसर मेरे अंडर काम करेगा। तो डीसीपी दयाल। ऑफ कोर्स सर, द प्रिविलेज इज माइन सर। इंस्पेक्टर भारत मोहन, हाय। एक्सक्यूज मी सर, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी, आइए सर। हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी। है कहाँ? जुर्म और कानून के बीच की कड़ियां जोड़ने में लगे हूँ। नथिंग न्यू। और आप सुनाइए, आपके मिजाज कैसे हैं? कंट्री भारत सोचता हूँ नौकरी छोड़ दूँ। क्यों, क्या फायदा ऐसी वर्दी में रहकर जहाँ मुजरिमों की गुलामी करनी पड़े? हाँ मोहन, कम ऑफ इट। आप तो ऐसे ना थे, ऐसी पेसिमिस्ट बातें क्यों कर रहे हो भाई? तो तुम तो वो बॉम्ब ब्लास्ट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना, उसमें क्या बड़े लोग इन्वॉल्व हैं क्या? बड़े लोग नहीं भारत, बहुत पहुंचे हुए लोग इन्वॉल्व। बट बिलीव मी भारत, जिस दिन मुझे उनके खिलाफ कोई सबूत मिल गया, आई एम गोइंग टू गेट टू देम। छोड़ूंगा नहीं उन्हें। वेटर, बस मोन और नहीं पिएगा। और नहीं लास्ट बस यार मोन, यू टोटली ड्रंक। नो आई एम नॉट, आई एम नॉट, आई एम ओके। एक्सक्यूज मी, तुम्हें मालूम है भारत, ये जो आतंकवादी हैं उन्हें आर्म्स कौन सप्लाई करता है? मुझे मालूम, मैं बताता हूँ। आफ्टर दिस। अरे बस के मैं यार। कूल मैन। अरे आपने फिर से ग्लास उठा लिया, कितनी और पियेंगे आप? चलिए अभी घर चलिए। चलिए भाभी एक मिनट जरा, मोहन कुछ बताने जा रहा था। क्या बोले थे मोहन तुम? हाँ मैं ये बता रहा हूँ। अरे भरत साहब आपको पता नहीं, दो पैक पीने के बाद ये शॉलक होम्स बन जाते हैं। अभी आप घर चलिए। चलिए भी। नेक्स्ट टाइम भारत। ए श्रीवास्तव कम हियर। ये इंस्पेक्टर भारत और इंस्पेक्टर मोहन शिंदे की बीवी में कुछ ज्यादा ही गहरी दोस्ती है क्या? यानी साहब आपको लगता है कुछ गलतफहमी हो रही है। इंस्पेक्टर भारत औरतों के मामले में बिल्कुल पत्थर है, लाइक हार्ड स्टोन। हार्ड स्टोन श्रीवास्तव, देखना कि ये हार्ड स्टोन मोम की तरह पिघल जाएगा। इंस्पेक्टर भारत, मैं मोहन बोल रहा हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। हाँ मोहन बोलो। हाँ कहाँ मिलना चाहते हो? मैं इस वक्त लॉर्ड्स क्लब से बोल रहा हूँ, बहुत जरूरी काम है। तुम दो घंटे बाद मुझसे मिल सकते हो? वो दो घंटे बाद? हाँ 10 बजे मैं तुम्हें क्लब के बाहर मिलूंगा, अपनी गाड़ी में प्लीज। ओके मोहन, मैं पहुंचता हूँ। ओके बाय। ओके
मोहन श्रीवास्तव, यहां टॉलस्टॉय रोड पे लॉर्ड्स क्लब के सामने जल्दी से आ जाओ, इमीडिएटली नाउ। इंस्पेक्टर भारत, क्या हो रहा भाई? देवा रे देवा, ये तो इंस्पेक्टर मोहन है, इंस्पेक्टर मोहन क्राइम ब्रांच। जी हाँ, मेरा दोस्त मोहन जिसे कोई शूट कर गया। कोई मतलब कौन? I don't know. वैसे भाई दबे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ अपने दोस्त मोहन से मिलने आए। इतनी बरसात में इतनी रात गए आप अपने दोस्त से मिलाए थे? जी हाँ, इतनी रात गए इतनी बरसात में मैं अपने दोस्त मोहन से मिलने आया था। Any objections? No objections. क्या बता सकते हैं कि इसको किसने मारा होगा? I don't know. लेकिन बहुत जल्द पता चल जाएगा। बहुत से केसेस सॉल्व कर चुका हूं मैं, ये भी पता कर लूंगा। डोंट यू वरी। वैसे ऐसे शूट किया गया भाई दी में, गन तो आप भी रखते होंगे? जी हाँ, गन मैं भी रखता हूँ, मेरी सर्विस गन है मेरे पास। क्या मैं देख सकता हूँ? इफ यू डोंट माइंड। तो ये बात मतलब ये हुआ कि आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? ये रही मेरी गन और ये पूरी की पूरी भरी हुई, देख सकते हैं। थैंक यू। लोडेड पिस्टल, इसमें तो 12 गोलियां होनी चाहिए थी, ये तो सिर्फ 11 है। व्हाट व्हाट हैपेंड सर, एनीथिंग रॉन्ग? श्रीवास्तव, इसका मर्डर हो गया, मेरे दोस्त का मर्डर हो गया श्रीवास्तव। लेकिन खून किसने किया? जिसने भी किया है बचेगा नहीं। तो इंस्पेक्टर भारत, वैसे कानून आप भी जानते हैं, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता आप शहर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ सर। हाँ बाद में फोन करो। यस सर। इंस्पेक्टर मोहन की डेड बॉडी से गोली बरामद हुई, वो उन्हीं गोलियों में से है जो हमारे डिपार्टमेंट को सरकारी असले में सप्लाई की जाती है। आई सी। और सर, मैंने मौका वारदात पर इंस्पेक्टर भारत का पिस्टल भी चेक किया था सर, उसमें भी एक गोली कम थी। इसका मतलब है इंस्पेक्टर भारत को। श्रीवास्तव तुम, क्या बात है श्रीवास्तव? सच हो सर्च वॉर इसके लिए मेरे लिए? यस।
What are you talking? The queue for what? I'm sorry, sir. इंस्पेक्टर मोहन के कत्ल के सिलसिले में ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है तो इंस्पेक्टर साहब, ये भी बताइए कि आप हमारे घर में तलाश क्या करना चाहते हैं? हमें सुराग की तलाश है, इंस्पेक्टर मोहन के कत्ल के सुराग की तलाश। I see. जाइए। कुछ फोटोग्राफ्स कैसे फोटोग्राफ्स हैं? So I just can't believe this. और ये लेटर में क्या लिखा है? मेरी जान, अब ये और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। जी चाहता है कि अपने बीच की सारी दीवारें गिरा दो। तुम्हारी प्यारी देवती। मोहन को हमारे बारे में पता चल गया है, मैं उसे समझाने की कोशिश करूंगी, वरना तुम्हें दूसरा रास्ता अपनाना होगा। तुम्हारी रेवती। दूसरा रास्ता कौन सा इंस्पेक्टर भारत? मोहन का कत्ल? सर ये सब बकवास है, इस सफेद झूठ है, सब बकवास है। दिस समबडी इज ट्राइंग टू फ्रेम मी सर, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस? चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाता भारत। ये फोटोग्राफ, ये लेटर्स, सब एक्सपर्ट ने चेक किए हैं एंड इट इज ऑल रियल। इंस्पेक्टर भारत, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप भी ऐसे कहेंगे? आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, आपको मुझ पर विश्वास नहीं? सवाल हमारे विश्वास का नहीं है, कानून का है, और कानून सबूत मांगता है। सारे के सारे सबूत फर्जी हैं, जाली हैं, सब कुछ झूठ है। मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और मेरे साथ साथ एक मासूम औरत के ऊपर दाग लगाए जा रहे हैं, उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हैं आप। अच्छा तो फिर सच क्या है? सच्चाई जाननी, मिसेस मोहन से मिलिए, उससे पूछिए कि हम दोनों के बीच में संबंध क्या है, पता चल जाएगा। कोई भी औरत कभी भी कबूल नहीं करेगी ये उसके किसी के साथ नाजायज ताल्लुकात हैं। माइंड योर लैंग्वेज इंस्पेक्टर शाने। इंस्पेक्टर भारत सही कह रहे हैं, सच्चाई हमें मिसेस रेवती मोहन से ही पता चली। लेकिन सर शाने, ठीक है भारत, मगर पूछताछ सिर्फ शाने ही करेगा। शाने मोहन, आपके लिए खुशखबरी है, पुलिस ने पता लगा लिया है कि आपके पति का कातिल कौन है। अच्छा, कौन है कातिल? कातिल आप हैं मिसेज रेवती मोहन। आपने और आपके यार इंस्पेक्टर भारत ने मिलकर यह कत्ल किया है। ये झूठ है, मैं इंस्पेक्टर भारत तो जानती तक नहीं। जस्ट शट अप, चुपचाप कबूल कर लो कि यह खून आप दोनों ने मिलकर किया है। What is this nonsense? सर ये क्या तरीका है इन्वेस्टिगेट करने का? Come on, इंस्पेक्टर, हमारे पुलिस वालों को पूछताछ करने का यही तरीका है, रिमेंबर। बट सर दिस इज नॉट फेयर। तुम एक पुलिस वाले होकर एक पुलिस ऑफिसर की विधवा पर
ऐसा कीचड़ उछालती हुई शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए थी ये सब करते हुए। ये लेटर्स, ये फोटोग्राफ्स देखो ने, और बताओ ये हैंडराइटिंग किसकी है? ये सब झूठ है, ऐसा कोई लेटर मैंने नहीं लिखा। फोटोग्राफ्स, ये फोटोग्राफ भी किसी ट्रिक फोटोग्राफी का कमाल है। भारत, भारत तो मेरे भाई जैसा है। सुना, सुना आपने सर? यस, वेट अ मिनट। साहब, भारत साहब ने गुनाह कबूल कर लिया और उन्होंने कहा कि मैडम के कहने पर ही खून किया था। गुड, भारत। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भारत ऐसा नहीं कर सकता, वो मुझे नहीं फंसा सकता। मैं खूनी नहीं हूं, मैं तो उल्टा उसे समझा रही थी। जब वो मोहन से मिलने गया था, मुझे तो पता ही नहीं था कि वो मोहन का खून कर देगा और अब वो मुझे फंसा रहा है। इंस्पेक्टर, मैंने खून नहीं किया, भारत ने खून किया है। मैं सच बता रही हूं, मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि शादीशुदा होते हुए मैं भारत से प्यार करती थी। मुझे क्या पता वो खून ही निकलेगा और मुझे ही फंसा देगा। मैं सच कहती हूं इंस्पेक्टर, मैं सच कहती हूं। मुझे फंसाया जा रहा है, हो सकता है मोहन के कत्ल में शरीफ कर रहे थे आप, और अभी सर, आप क्या नहीं बिलीव ऑल दिस मनगढ़ंत कहानी सर, मुझे फंसाया जा रहा है। You are suspended. जानता हूं भारत के तुम निर्दोष, मगर सारे सबूत, सारे गवाह हमारे खिलाफ हैं। I'm sorry my boy, I'm helpless. हालांकि मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी और मैं आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए सर, प्लीज आई डोंट नीड योर सिंपथीज। मगर नो सर, बस सारी जिंदगी मैंने जिस कानून की खिदमत की, उसी कानून ने आज मुझे इन सलाखों के पीछे लाके खड़ा कर दिया। मुझे अफसोस इस बात का नहीं है सर कि मुझे मुजरिम समझा जा रहा है, मुझे अफसोस इस बात का है कि मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का एक मौका तक नहीं दिया जा रहा। मैं तुम्हें वही मौका देने आया हूं भारत। मैं जानता हूं कि सलाखों के पीछे रहकर
तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकते और कत्ल के इस केस में मैं तुम्हारी जमानत का भी इंतजाम नहीं कर सकता, इसलिए जाओ भारत, मैं तुम्हें 24 घंटे का वक्त देता हूं और इन 24 घंटों में असली कातिल को पकड़वाकर तुम्हें अपने आप को बेगुनाह साबित करना है। And I know you can do it. मैं वादा करता हूं सर, मैं आपके विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा। सुना भारत? जी सर। किसी को भी यह पता नहीं चलना चाहिए कि लॉकअप से निकालने में मैंने तुम्हारी मदद की थी। जी सर। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। भारत लॉकअप से फरार हो गया, यह तो तुम अच्छी खबर लाए हो। लॉकअप से फरार होना अपने आप में एक वाले जुर्म है, अब भारत को कोई बचा नहीं सकता। यू आर राइट सर। शहर में चारों तरफ रेड अलर्ट कर दो, भारत कहीं भी दिखाई दे उसे फौरन अरेस्ट कर लो। सर, अरेस्ट करना, केस दाखिल करना और उसके बाद मुकदमा चलाना, क्या आपको नहीं लगता कि यह एक बहुत लंबा प्रोसीजर है? क्या मतलब? सर, मेरा ख्याल है कि जुर्म जेलों में खत्म नहीं होते बल्कि और पनपते हैं। जुर्म को खत्म करने का सर सिर्फ एक ही तरीका है। जुर्म खत्म करने का कोई भी गैर कानूनी तरीका मुझे पसंद नहीं, मगर हाँ, अगर वो तुम पर हमला करता है तो। मैं समझ गया सर, लेकिन वो इतनी आसानी से हाथ में नहीं है। आई नो सर, मगर मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि वो कहां जाएगा। मिसेस बॉन, मिसेस बॉन, मिसेस बॉन, मिसेस बॉन, आप जानता था तुम यही करोगे, अपने खिलाफ इकलौते गवाह का खात्मा, मगर अफसोस के मैंने तुम्हें रगे हाथों पकड़ लिया। इंस्पेक्टर शानी, इंस्पेक्टर शानी, देखो शानी, मैं तुम्हें फिर एक बार बताता हूं, फिर से दूसरी बार तुम गलती कर रहे हो। ये फोन मैंने नहीं किया शानी, समबडी ट्राइंग टू फ्रेम मी, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही शानी। अच्छा शानी, अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं ये प्रूव कर दूंगा कि मैं बेगुनाह हूं। मुजरिमों को मौका देने की बेवकूफी मैं नहीं करता भारत साहब, मैं तो फैसला करता हूं। कत्ल दफा 302, सजाए मौत। What do you mean? मजबूरी है भारत साहब, मैंने आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की लेकिन आपने मुझ पर हमला कर दिया, मजबूरन मुझे आपको शूट करना पड़ा, ठीक है ना? Give me your gun. I say, give me your gun. Sir, आप यहाँ से जाइए। उस दिन जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी वो, लेकिन आज जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा आपके प्रति विश्वास है। श्रीवास्तव, तुम ये क्या कर रहे हो? वही जो मुझे करना चाहिए था। सर, आप जाइए यहाँ से।
अच्छा नहीं किया श्रीवास्तव। राणे साहब, किसने अच्छा किया और किसने बुरा किया बहुत जल्द बताना चाहिए। से कुछ कहना चाह रहा था। मोहन ने मुझे कुछ कहने के लिए वहां पर बुलाया था। 786 क्या हो सकता, किस चीज का सुराग है? Thank you.
गॉड। भारत कैसे भाग निकला? आपने इसे अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? इसी तरह कत्ल करता रहा तो? आपको यकीन है कि भारत ही कातिल है? Enough, enough. मैंने कहा ना, भारत बहुत जल्द सलाखों के पीछे होगा और सारी हकीकत सामने आ जाएगी। भारत की इस हरकत ने जनता के दिल में कानून के लिए जो इज्जत थी उसको ठेस पहुंचाई है। भारत को सजा दिलवाकर हम जनता का यकीन दोबारा हासिल करना चाहते हैं। ओके देखा मिस्टर दयाल, इस बेवकूफ आवाम की नजर में इंस्पेक्टर भारत ही सब कुछ था। इनकी नजर में हम जैसे ऊंचे ऑफिसर तो कुछ करते ही नहीं। अब इनको पता चलेगा कि डीआईजी खान क्या चीज है। दुआएं कीजिए खान साहब कि आप जैसे बड़े अफसरों की असलियत आवाम के सामने नहीं आए तो अच्छा है। भारत तुम यहां? मामूली सी बात है खान साहब, जरा सोचिए कि अगर आवाम को यह पता चला, पब्लिक को, कि इतना बड़ा अफसर अपने मातहत अपने असिस्टेंट अपने छोटे अफसर से सिर्फ इसलिए ईर्ष्या करता है जलता है कि वो यानी इंस्पेक्टर भारत पब्लिक में फेमस, तो पब्लिक आपके बारे में क्या सोचे? तुम यहां क्यों आए? अपने आप को कानून के हवाले करने आया हूं सर। आपने मुझे 24 घंटों का वक्त दिया था ना, 20 घंटे हो चुके हैं, 4 बाकी हैं। देखो भारत, सरेंडर करके तुमने बहुत समझदारी का काम किया। शायद इसके लिए तुम्हें कोई रियायत भी मिल जाए। रियायत? सजा? इसका मतलब ये हुआ कि आप अभी भी ये समझते हैं कि रेवती और मोहन का खून मैंने किया? और किसने किया? किसी और के साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती? माफ कीजिएगा सर, लेकिन सच बोलने वाला आदमी किसी को नहीं अच्छा लगता। मेरा दोस्त मोहन एक सच्चा पुलिस ऑफिसर था, एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर, और ईमानदार पुलिस ऑफिसर के सारे मुजरिम दुश्मन होते हैं। क्या मतलब? शायद आपको मालूम नहीं सर कि मेरा दोस्त मोहन बॉम्ब ब्लास्ट की इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ टेररिस्टों को सप्लाई होने वाले आर्म्स के बारे में भी इन्वेस्टिगेट कर रहा था, और उसे एक बहुत ही खतरनाक बात मालूम पड़ गई थी, और वो ये है कि इस आर्म्स डील के अंदर हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑफिसर इन्वॉल्व था। क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैं आपकी तरह बेबुनियाद बातें नहीं करता हूं खान साहब। अपने साथ पक्के सबूत लाए हूं। ये तस्वीरें जिसमें वो सौदेबाजी हो रही है, वो फैक्स भी है मेरे पास। स्विस बैंक में जमा किया अकाउंट्स की पूरी रिसीट, वो डायरी भी है मेरे पास जिसमें सारी की सारी डिटेल्स मौजूद। सर आप देखना नहीं चाहेंगे कि वो हमारे डिपार्टमेंट का बड़ा अफसर कौन है? देखिए,
कौन? सच और मुझे इसी बात का डर था कि इंस्पेक्टर भारत कहीं असलियत तक न पहुंच जाए। मैं जानता था कि मोहन ने उसे सब कुछ बताने का मन बना लिया, इसलिए भारत से उसकी दूसरी मुलाकात से पहले ही मैंने उसे मार दिया। लेकिन मोहन मरने से पहले मुझे लॉर्ड्स क्लब के लॉकर का वो सुराग दे गया था जिसमें उसने आपके खिलाफ सारे सबूत जमा कर रखे थे। अगर मुझे ये मालूम होता कि मोहन ने इतने सारे सबूत इकट्ठे कर रखे हैं तो मैं उससे वो सबूत हासिल करने के बाद ही उसको मारता। बस यही एक गलती मुझसे हो गई। गलती तो सबसे बड़ी आपने मुझे रिहा करके की। नहीं इंस्पेक्टर भारत, ये मेरी गलती नहीं, मेरी मजबूरी थी। मोहन की बीवी को डरा धमका कर मैंने बयान देने पर राजी तो कर लिया, मगर वो बाद में मुझे ब्लैकमेल करने लगी। उसके खून का इल्जाम तुम्हारे सर डालने के लिए मैंने तुमको लॉकअप से रिहा कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारे फरार होने से तुम्हारा केस कमजोर हो जाएगा। केस? और वो शाह ने तो मेरा एनकाउंटर करना चाहता था, हाँ? वो भी मुझे डीआईजी साहब की तरह मुजरिम समझता है। खैर जो होना था वो हो गया, लेकिन भारत अगर ये बात यहां से बाहर गई तो पुलिस डिपार्टमेंट की बड़ी बदनामी हो जाएगी। क्यों सर, मैं ठीक कह रहा हूं? सर इसे कहिए ना वो डायरी और नेगेटिव्स मुझे वापस कर दे। दयाल, तुम जैसे नमक हराम अफसरों ने पुलिस वालों को बदनाम किया है, तुम्हें इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। नहीं सर, अपनी जान बचाने के लिए मैं दो खून कर चुका हूं, दो खून और करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तुम दोनों को मारूंगा और दुनिया से कहूंगा कि इंस्पेक्टर भारत ने डीआईजी को मारा और मैंने उसे मार दिया। कैसा रहा प्लान इंस्पेक्टर भारत? मुझे खत्म करके भी तुम वो नेगेटिव हासिल नहीं कर पाओगे। Who cares for the negatives? अभी तो मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है। इंस्पेक्टर भारत, ये आदमी कैसा भी था मगर उस दिन पार्टी में इसने एक बात सच्ची कही थी, यू आर सिंपली ग्रेट। थैंक यू सर।